मैं बताऊंगा। हमारे घराने में हम गाने शुरू करके एक मिनट के अंदर अंदर, एक मिनट दो मिनट के अंदर हम राग का परिचय दिखाते हैं। ये नहीं कि मैं गा रहा हूं और पांच मिनट के बाद एक सज्जन आए तो मैं एक ही सुर पर ठहरा हूं, उसको पता नहीं चलता कि कौन सा राग गा रहा हूं मैं। हमारे घर आने में इमीडिएटली बंदिश जो है, बंदिश से शुरू करते हैं तो राग का स्वरूप दिखाई देता है। तो एट एवरी गिवन मोमेंट इन आवर परफॉर्मेंस वी गिव द आइडेंटिटी ऑफ द रागा, राइट। कहीं भी आप आइए, अंदर आइए, किसी वक्त अंदर आइए, मैं गाता रहता हूं, किसी वक्त अंदर आइए तो आपको ये दिखाई पड़ता है कि अरे बाबा अच्छा ये राग आ रहे हैं। ये नहीं कि आके बैठ के पांच मिनट के बाद अच्छा अच्छा शायद ये राग प्रस्तुत कर रहे हैं। इमीडिएट कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज बिकॉज ये बात तो सही है, सही है। मंजी खान साहब, उन पर ये जो ग्वालियर के गायक थे रहमत खान, उनकी गायकी का असर, हाँ जी, और उनकी गायकी के असर की वजह से आला दिया साहब जो बहुत दिन का उनके खफा भी रहे, हाँ जी, यानी ये मैं आपके गाने की गायकी को रिकॉर्ड कर दिया है और ग्वालियर खान की गायकी को एडॉप्ट कर, हाँ जी, हाँ जी। यस, यू आर वेरी राइट। कल मैं किसी से बात भी कर रहा था, शायद गुंडेचा जी से बात कर रहा था, तो शायद आई डोंट नो इफ माय घराना पीपल विल फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, शायद अतौली जयपुर में ही एक ब्रांच होता था, अलादिया खान का एक ट्रेडिशन और मंजी खान साहब का एक ट्रेडिशन, क्योंकि मंजी खान साहब के ऊपर ग्वालियर का बहुत असर था, इसीलिए मेरे पिताजी को मंजी खान से लेने में दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि पहले से ही वो ढांचा ग्वालियर का था। आई डोंट नो इफ अदर पीपल बिलोंगिंग टू माय घराना वुड से इट, बट आई एम सेइंग इट कि अगर मंजी खान साहब जिंदा होते और एक 15-20 बरस होते और एक 2-3 शागिर्द को उनको सिखाते तो शायद देयर वुड हैव बीन अ ब्रांच इन दी ग्वालियर घराना इट्स सेल्फ। And another through over.
शब्द जो होते हैं इनको हम अलग अलग आघात देके एक ही आघात में एक ही वन डायमेंशनल नहीं रहता, अलग अलग आघात होते हैं। तो इस आघात से वो जो वेट आती है ये दिस इज अनदर स्पेशलिटी। आघात है ये एक इसकी स्पेशलिटी है। अभी ज्यादातर हम लोग तीन ताल में गाते हैं, तीन ताल झपताल।
जो है दो तीन चार राग स्वर लेके उन्हीं के अंदर आप वेट से ज्यादा ताकत से इनको उल्टा सीधा करना है, यानी Well,